इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। पाकिस्तान में इस वक्त दो ईदें मनाई जाती रही हैं, ये रही है पाकिस्तान की तारीख। और आज पाकिस्तान में ईद है और कल रात 11:30 बजे पाकिस्तानियों को पता चला है कि सुबह ईद होगी। और इसकी जो वजह है वो ये कही जा रही है कि एक तरफ पाकिस्तान की रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट है, वो लोग जिनका मजहब के ऊपर और मजहबी अदारों के ऊपर कंट्रोल है, मिसाल के तौर पर एक वो है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो साइंस की जो गवाही को मानता है। हुआ यह है कि पाकिस्तान में कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि दो ईदें मनाई जाती थी। पहले एक ईद मनाई जाती थी जो कि रूहत हलाल कमेटी, जो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली नॉमिनेटेड एक कमेटी है जिसके सरबराह मुफ्ती मुनीब साहब हुआ करते थे, वो ऐलान किया करते थे और उनके पूरे पाकिस्तान में लोग मौजूद होते थे और साथ ही साथ उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी इनको असिस्ट किया करती थी। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर में एक मुफ्ती पोपल जई साहब हैं, वो क्या करते थे कि वो एक दिन पहले ईद का ऐलान कर दिया करते थे। तो जिससे ये होता था कि खैबर पख्तूनख्वा वाले एक ईद पहले दिन मना लेते थे और बाकी पाकिस्तान जो दूसरे दिन ईद मनाया करता था। तो ये तकसीम है। कई लोगों ने यह कहा कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा वाले ईद मना रहे हैं वो सऊदी अरब के साथ मना रहे हैं और कई लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मना रहे हैं, पाकिस्तान के जो बाकी सूबे हैं वो इकट्ठे मिला रहे हैं। लेकिन हुकूमत की रिट कभी भी कायम नहीं रही कि एक दिन ईद होनी चाहिए। हुकूमत ने यह मसला उलमा के हक में दे दिया कि उलमा जैसे मर्जी फैसला करें ईद के हवाले से। अब हुआ यह कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई, इनके एक मिनिस्टर हैं फेडरल मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनको दी गई, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कहा कि हम जो चांद देखने का मसला है ये बेसिकली रूहत हलाल कमेटी को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक साइंस का मसला है और इसके लिए हम ऐसी कमेटी बनाएंगे, हम मोबाइल ऐप बना देते हैं जो हर बंदा जो है वो घर बैठ के दे सकता है और साइंसी तरीके के साथ आपको पता चल जाएगा ईद कब होगी। अब हुआ यूं कि जो साइंस के वजीर ने इसके ऊपर बयान देने शुरू कर दिए, उलमा ने कहा, जो उस वक्त मुफ्ती मुनीब हुआ करते थे उनको हटा दिया गया बाद में, उन्होंने कहा कि नहीं, फवाद चौधरी साहब हमें नहीं बताएंगे ईद कब होगी, हम अपनी मर्जी से चांद देखेंगे और जो हमें समझ लगा, जहां जहां से हमें गवाहियां मिली हम उस तरह चांद को देख के और ईद का ऐलान किया करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने ईद की एक डेट दे दी, मुफ्ती मुनीर साहब ने कहने नहीं जी ईद इस दिन नहीं, ईद तो इस दिन हुआ करेगी। अब हुआ यह कि पाकिस्तान में इससे मजीद तकसीम पैदा होनी शुरू हो गई। और पिछली जब फवाद चौधरी साहब ने एक दफ़ा कहा कि, और उन्होंने पहले ही बता देते, वो दो महीने पहले ही बता देते थे कि फलां दिन चांद निकलेगा, इस दिन ईद होगी और इस तरह की वो जो डेवलपमेंट है वो बता दिया करते थे। इस दफ़ा क्या हुआ कि उन्होंने मुफ्ती मुनीब साहब की जो उनको अहदे से फारग कर दिया गया रूहत हलाल कमेटी के चेयरमैन से, और एक और मौलाना साहब हैं उनको नॉमिनेट कर दिया गया। और वो जो अबुल खैर आज़ाद हैं जिनको नॉमिनेट किया गया, उन्होंने भी आज एक नया जो है वो मुल्क के अंदर एक नई तकसीम पैदा हो गई। और वो ये है कि आज पाकिस्तान में ईद मनाई जा रही है और ईद रात 11:30 बजे पता चला कि ईद सुबह ईद होगी। और मेजॉरिटी, मैं इस वक्त गांव में रह रहा हूँ और मैं अपने गाँव आया हूँ, मेजॉरिटी पाकिस्तानियों ने आज सुबह गाँव में रोज़े रखे हैं। मेरी सुबह जब मुलाकातें हुई दोस्तों तो उन्होंने बताया जी हमारा तो रोज़ा था, हमें तो पता नहीं, गांव के लोग इतना टीवी भी नहीं देखते, सादा लोग होते हैं, उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी नहीं होता, तो उन्होंने रोज़े रख लिए। और बाद में जब उनको पता चला कि जी हमने तो 4 बजे रोज़ा रख लिया था, 3:30-4:30 बजे, उसके बाद सुबह 7 बजे उन्होंने रोज़े फिर खोल लिए। अब देखें कि ये कितनी बड़ी ज़्यादती है कि एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है उसने एक मोबाइल ऐप बना दी है, और साइंस जारी बात है उसको तो पता है कि कितने साल
2 साल बाद भी अगर शायद चांद देखना हो या क्या तब्दीलियां दुनिया में आ सकती हैं, तो साइंस बता सकती है, उलमा तो नहीं बता सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उलमा है वो पाकिस्तान में अपना इन चीज़ों पे कंट्रोल रखना चाहते हैं, और हुकूमतें हमेशा ही हुकूमतें परेशान भी हैं और हुकूमतें लाचार भी हैं और हुकूमतें बेबस भी हैं। उनके पास इनका कोई तोड़ नहीं है कि अगर उलमा सारे इकट्ठे हो जाएं और कहें कि हमने रोज़ा एक दिन पहले खोलना है, रखना है, खोल ख़त्म करने और ईद का ऐलान करना है, तो हुकूमत के पास कोई इसका चारा नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में 30 रोज़े रखे जा रहे हैं, पाकिस्तान में 29 रोज़े रखे जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब जो कि इस वक्त इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं रहे, इमरान खान साहब ने उनका ओहदा बदल दिया, उन्होंने थोड़े दिन पहले ऐलान किया कि जो हमने मोबाइल ऐप बनाई थी उस मोबाइल ऐप के ज़रिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि जो ईद है वो पाकिस्तान में 14 मई जुम्मे वाले दिन होगी, जबकि कल रात को 11:30 उलमा ने ये ऐलान कर दिया कि नई ईद जो है वो आज जुमेरात वाले दिन होगी 13 मई को। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितनी ज़्यादा तकसीम इस चीज़ में पाई जाती है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आधे पाकिस्तान तो सो चुका था, क्योंकि गांव के लोग तो बड़ी जल्दी सो जाते हैं, शहरों धड़ाधड़ जो है वो लोग सड़कों पर थे। एक तो बारिश थी, मौसम अच्छा था, गर्मी का जोर टूटा हुआ था, तो लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और ये करना शुरू हो गया। लेकिन कोविड तो पता नहीं इससे बचा है कि नहीं बचा, और कोविड तो पता नहीं इससे कम होगा कि नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में 3 ईदें, अब आपको मुबारक हो, शुमाली वज़ीरिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान का वो तबका जो कल ईद मना रहा है। इतनी सी बात पे, चांद देखने के ऊपर हम इस मुल्क में तफर्रका करके करके बैठे हुए हैं, और बातें हम ये करते हैं कि फलां मुल्क में ये होना चाहिए तो फलां को ये होना चाहिए, और अमेरिका को ये करना चाहिए, बरतानिया को ये करना चाहिए, हिंदुस्तान को ऐसे चलाना चाहिए। अरे बाबा, चांद तो देख लो, आँख खोल के अपनी, नज़र आता है कि नहीं आता? नहीं आता तो मान लो हमें नहीं नज़र आया, और अगर आया तो उसके कुछ शवाहद दे दो हमें। दोनों सूरतों में जो है अपनी हैसियत आपको पता चल जानी चाहिए कि आपकी हैसियत क्या है, कि बातें आप कितनी बड़ी बड़ी करते हैं और इतनी सी बात पे आपका आपस का तफरका जो है वो मजहबी लड़ाई झगड़े का और यानी इन सारी चीज़ों का बायस बनता है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए, और जिस जिस शख्स ने, मर्द और औरत ने इस मुकद्दस महीने में इबादत की, अल्लाह ताला उनकी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए और हमारे हुक्मरानों को अकल दे। वो तो अब मुझे नहीं पता कब आएगी, लेकिन अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों को अकल आ जाए कि वो हर बात में जो है ना वो जिद छोड़ दें। बल्कि तो गाइज़, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको बता दूँ, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि मैं अपना रिएक्शन देने वाला हूँ। गाइज़, तो आपको बता दें, पाकिस्तान मीडिया में ये डिस्कशन हर साल होता है। ये मतलब इस बार इसलिए यूनिक है क्योंकि हर साल पाकिस्तान में 2 ईद मनाई जाती हैं, लेकिन इस बार 3 मनाई जा रही हैं। मतलब ईद का ऐसा रहता है कि जो रोज़ा ख़त्म होने के बाद चांद अगर दिख जाए तो उस दिन ईद सेलिब्रेट करी जाती है। तो ऐसा कुछ होता है कई बार बादल की वजह से, और कई बार ऐसा होता है चांद नहीं दिख पाता है, तो वो मौलानाओं के द्वारा डिसाइड होता है कि ईद कब मनानी है। तो पाकिस्तान में अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि एक साथ 3 ईद मनाई जा रही हैं। हालांकि ऑफिशियल तो अगर आप देखें तो आज ईद सेलिब्रेट की गई है, और सऊदी अरेबिया में भी शायद आज या कल थी ईद, ऐसा मुझे पता नहीं है। तो ये पाकिस्तान का जो हाल है उसको लेकर पाकिस्तानी रिपोर्टर ऐसे बात कर रहे हैं।